और फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इंद्रासिस। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो मैं फाइनली एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ और ये है गार्डियन गियर का, जो मैं टैंक बैग खरीदा था उसका रिव्यू तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अभी देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें फिट होता है। तो यार बहुत सारा कमेंट मुझे आया है कि उसमें क्या फिट होता है क्या नहीं होता है, एंड मेरा बहुत सारा फ्रेंड है जो मुझे बोला है कि उसमें अपना लैपटॉप आएगा कि नहीं आएगा, मेरा ड्रोन, मेरा कैमरा एंड एसेसरीज, हम लोग क्या क्या लेके जा सकते हैं उस बैग के अंदर में। और एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप उसका रिव्यू नहीं देखे, उसका प्राइसिंग और वगैरह, हालांकि उसका प्राइसिंग मुझे 2800 रुपया के आसपास पड़ा था, तो मेरा एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा है, तो शायद वो मेरा वीडियो पूरा नहीं देखा। मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी उसको वीडियो में मैं बोल चुका हूँ कि मुझे वहाँ पर कितना पड़ा था। एंड यस, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कुछ कमेंट करने से पहले आप थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरा वीडियो देख लीजिए। मैं मैक्सिमम चीज़ें, जितना टेक्निकल चीज़ें होता है, इसके अलावा उसका कॉस्ट वगैरह जितना भी हो सकता है, मैं पूरा वीडियो में बोल देता हूँ। फिर भी बहुत सारा कमेंट आता है उसका, जो होता है। एनीवे, अभी उसको छोड़िए, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये है गार्डियन गियर्स का जो बैग मेरे पास पहले से मौजूद, इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ मेरे चैनल पे। और अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में यहाँ या इधर इधर और इधर कहीं पर एक वीडियो मेरा लिंक आ जाएगा, वहाँ पर आप वहाँ से वो रिव्यू देख सकते हैं। पूरा उसका अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ है, प्राइस भी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम लोग देख लेते हैं कि इस गार्डियन गियर्स के बैग में हम लोग क्या क्या फिट कर सकते हैं। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ मेरे पास है और क्या क्या चीज़ इसमें फिट हो सकता है। सो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे ये है मेरा लैपटॉप, एंड दिस इज़ द लैपटॉप। ये मेरा पुराना वाला लैपटॉप है जो 13 इंच का है, एंड फॉर क्लैरिटी मैं इसको एक बार मेजर कर लेता हूँ और देख लीजिए, ये है लगभग 1.2 फीट हो गया इसका लेंथ। ये देखिए 1.2 फीट इसका लेंथ है, एंड इसका ब्रेथ है 9 इंच। इसका ब्रेथ है 9 इंच। सो मेरे पास जो लैपटॉप है इसका लेंथ एंड ब्रेथ हो गया आपका 14 सेंटीमीटर, 14 या 14.5 सेंटीमीटर, एंड लगभग 10 सेंटीमीटर, 9.5, मैक्स टू मैक्स 9.5 है, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं 9.5 ही पकड़ लेता हूँ। और उसके साथ ही है मेरा ये वाला मेरा ड्रोन, एंड उसके बाद है मेरा एक कैमरा, इससे ये मेरा सोनी का कैमरा है, इससे मैं ज़्यादा फोटो वगैरह लेता हूँ। और ये है मेरा कैनन का एक लेंस, ये है मेरा DSLR, ये है मेरा ड्रोन का रिमोट, उसके साथ ही 2 पावर बैंक, एंड उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फ़ोन जो मेरे काम का नहीं है, पर फिर भी अगर कोई होता है कि एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें वो कैरी करना चाहता है इसलिए। उसके साथ ही है 1 पेयर ऑफ ग्लव्स एंड अनदर पेयर ऑफ ग्लव्स, ये वाला जो मेरा वुलन ग्लव्स है। सो चलिए देखते हैं ये सब चीज़ें मेरा वहाँ पर फिट होता है कि नहीं होता है, या फिर कौन सा चीज़ फिट होता है कौन सा नहीं होता है, या फिर इसके अलावा भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ले सकते हैं कि नहीं, तो पूरा वीडियो देख लीजिए। एंड यस, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, एंड नीचे का लाल बटन दबा के आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। तो फ्रेंड्स अभी ये है मेरा बैग, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये बैग का सबसे अच्छा चीज़ मुझे क्या लगता है, तो सबसे अच्छा चीज़ लगता है कि मैं इसको
बढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे सामान थोड़ा ज्यादा लेके कैरी करना है तो मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ। एंड ये चीज मुझे इस बैग में बहुत अच्छा लगता है, आई लव दिस वन द मोस्ट, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव भी है। कभी मुझे चाहिए तो मैं छोटा भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा जर्नी करना है आसपास में, कुछ टूर करना है तो मैं अपना सामान उतना सामान नहीं लेके जा रहा हूँ, तो मुझे उतना सामान नहीं ले पैक नहीं करना है तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कैसे हम लोग इसमें सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये पैकिंग भी एक आर्ट होता है, तो कैसे हम लोग ये सब कुछ चीजें यहाँ पर फिट कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा साइड पे आ जाता हूँ कि आपको यहाँ से व्यू अच्छा मिले। एंड यस, सबसे पहले मैं अपना ग्लव्स यहाँ पर रखता हूँ। सबसे पहले मैं इसको देखिए, या मैं यहाँ पर इसको थोड़ा लार्ज कर लिया हूँ, जो मैक्सिमम मेरा कैपेसिटी है मैं उसको यहाँ पर यूज किया हूँ। उसके बाद मैंने अपना वुलन ग्लव्स यहाँ पर ले लिया। वुलन ग्लव्स के बाद मैं अपना अभी लैपटॉप इसमें रखूंगा, और ये है मेरा एक 13 इंच का लैपटॉप, जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से अंदर घुस चुका है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा लैपटॉप यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से अंदर घुस गया। एंड यस, इसके बाद मुझे पैकिंग करना है अपना ड्रोन। मैंने अपना ड्रोन ले लिया यहाँ पर, और यस, ये मेरा DJI का ड्रोन है, ये DJI का ड्रोन का बॉक्स है। एंड उसके साथ ही मेरा दोनों बैटरीज भी यहाँ पर आ चुका है। सो मेरा ड्रोन हो चुका है अभी, एक्सक्यूज मी, ये मेरा ड्रोन आ चुका है यहाँ पर। और ड्रोन के साथ ही मुझे अपना ड्रोन का, ये जो है मेरा ड्रोन का रिमोट, ये है मेरे ड्रोन का रिमोट, मुझे इसको भी पैकिंग करना है, क्योंकि मेरा ड्रोन कुछ काम का नहीं है अगर मैं अपना रिमोट नहीं लिया हूं। और यस, मैं अपना ड्रोन का रिमोट कुछ इस जगह पे पैकिंग किया। एक मिनट, मैं पहले अपना, यह है मेरा लेंस, यह है मेरा DSLR का लेंस, और यह है मेरा कैमरा। मेरा लेंस आ गया, मेरा कैमरा आ गया, यस। उसके साथ ही मेरा जो दूसरा वाला कैमरा है वो भी आ गया। अभी ये है मेरा, क्या है, मेरा रिमोट, मेरा ड्रोन का रिमोट। उसके साथ ही मेरा दो एक्स्ट्रा ग्लव्स। अभी मेरा बचा हुआ है एक पावर बैंक, ये आ गया मेरा दूसरा पावर बैंक। उसके साथ ही मेरा कुछ एक्स्ट्रा फोन, ये सब आप कैसे भी ले सकते हैं, एक छोटा सा फोन, ये सब कुछ आपके बैग के अंदर में फिट हो जाएगा। एंड यस, दिस इज इट। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली ये मेरा बैग के अंदर ये फिट हो गया है। एंड यस, इट इज हैवी। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पैकिंग थोड़ा आराम से, थोड़ा टाइम लेके कीजिए। आपको किस तरह में वेट लेना है, वेट एडजस्टमेंट करके आप लोग अगर करते हैं तो ये, जैसे कि मेरा अभी देखिए वेट एक तरफ आ गया है, इसको अगर तो मैं थोड़ा टाइम लेके करता तो ये बहुत इजीली इवनली हो जाता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके ऊपर मेरा साइड वाला पॉकेट, ये वाला पॉकेट, एंड देन आफ्टर दिस वन, ये वाला पॉकेट, ये दोनों पॉकेट मेरा अभी भी एम्प्टी है। मैं यहाँ पर बहुत सारा सामान पैक कर सकता हूँ, मेरा मेन फोन मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। उसके अलावा मेरा यहाँ पर और एक पॉकेट है। एंड सो इवन ये जो मेन कंपार्टमेंट है, ये बहुत आपका मतलब स्पेस अभी भी खाली है। सो यहाँ पर आप और एक सामान और कुछ सामान यहाँ पर आप बेसिकली ले सकते हैं, मेनली आपका पेपर्स वगैरह यहाँ पर ले सकते हैं। एंड दिस इज द रेन कवर, आप उसके ऊपर अपना रेन कवर बहुत ही इजीली चढ़ा सकते हैं। एंड अगर आप अच्छी तरह से पैकिंग करेंगे, जो मैं पहले भी पैकिंग किया था, ये रेन कवर मेरा इसके अंदर आके, अगर आप लोग नॉर्मली यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये भी ऐसा आराम से आपका अंदर में आ जाएगा।
क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगा आप बहुत ही इजीली इसको निकाल के आप यूज कर सकते हैं। सो यस, ऐसा करके अरे चेन क्यों फंस रहा है। यस दिस इज इट। सो आप लोग ऐसे करके बहुत इजीली इसको पैक कर सकते हैं। मेरा अभी भी दो चेंबर यहाँ पर खाली है, ऊपर से ऊपर वाला चेंबर खाली है। हाँ फ्रेंड्स, और एक बात, अगर आप लोग ये गार्डियन गियर्स का बैग खरीदना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। एंड यस, अगर कुछ ऑफर्स रहेगा या फिर कुछ प्रोमो रहेगा, प्रोमो कोड रहेगा, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से एक बार चेक कर लीजिए अगर आपको चाहिए तो ये बैग। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये बैग में बहुत ही इवनली आप हर एक चीज आपका मैक्सिमम आपका जो यूटिलाइज का चीज होता है, जैसे आपका लैपटॉप, गैजेट्स वगैरह, सब कुछ आप इजीली इसमें कैरी सकते हैं विथ योर ग्लव्स एंड मेनी मोर थिंग्स। अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको पैकिंग करेंगे तो आई एम क्वाइट श्योर आप इसमें बहुत सारा चीजें ले सकते हैं। तो यस, अगर आप लोग यहाँ तक मेरा ये वीडियो देखे हैं, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो डोंट नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक। आपका एक लाइक हम लोग को मोटिवेशन देता है और एक वीडियो बनाने के लिए। सो टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। एंड यस, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज इंद्रासिस साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।